हॉस्पिटल के सामने खड़े होके फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हसमत, 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। हमारी लाइफ में किसी ना किसी दिन, किसी ना किसी सिचुएशन में हर इंसान को एक जगह रुकना पड़ता है, और मैं अभी उस जगह पे रुका हुआ हूँ। वो चाहे जो भी हो, लेकिन मेरे रुकने की वजह सिर्फ और सिर्फ प्यार है। लहरें आती रहती हैं और अच्छा लगता है, सपने भी आते रहते हैं और अच्छा होता है, पर एक लड़की यहाँ इसके करीब आके चली जाए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता।
ओहो, आई एम सॉरी बेटा। पहले मुझे लव के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लव की फीलिंग्स भी नहीं पता थी, लेकिन उस दिन उस लड़की को देखने के बाद वो फीलिंग मुझ में पैदा हुई। जाने क्यों नहीं आए? देखिए तो आपकी वजह से मैं गिर गई। आपको साइकिल छोड़ने के लिए किसने कहा था पापा? कहा था ना मुझे फॉलो कीजिएगा? तुमने ही तो कहा था छोड़ने को। 1 to 10 काउंट करने के बाद बैलेंस बनाकर छोड़ने के लिए कहा था ना, इसीलिए मैंने काउंट करके तुम्हारा बैलेंस होने के बाद साइकिल छोड़ दी और तुम हमेशा की तरह गिर गई। पापा, 1 to 10 काउंट करने के लिए कहा था, लेकिन आपके मन में नहीं, जोर से कहना था ना। साइकिल सीखना कितना मुश्किल काम है पता है ना पापा? छोड़िए, आप नहीं समझेंगे। आई नो वॉट यू मीन। इतने छोटे छोटे बच्चे स्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें तो साइकिल तक चलाना नहीं आता, यही सोच रहे हैं ना आप? स्केटिंग का क्या है, तुम एक दिन में सीख सकती हो। साइकिलिंग करना बहुत डिफिकल्ट है, आई नो दैट। तुम्हें एक बात बताऊं, मैंने तो सिर्फ बस हल्का सा धक्का दिया था, बैलेंस बनाकर तुम खुद इतनी दूर आई हो। सच में? हाँ, सच में अंकिता, तुम अकेली आई हो। रॉकेट चलाने जितना बिल्डअप क्यों दे रहे हैं? 99 हो गए, एक बार और गिरी तो शतक लग जाएगा। तुम क्या पागल हो? 94 टाइम्स। वाह, कितना ध्यान से गिन रही हैं आप। hey. मतलब और 6 बार गिर जाएंगी तब तो आपका 100 कंप्लीट जाएगा ना। hey, तो जाकर गाड़ी स्टार्ट कर। चलो चलते हैं। hey. सीट बेल्ट लगा लो, कितनी बार बताना पड़ेगा? पैंट में तो बेल्ट लगाता नहीं हूँ, सीट बेल्ट लगाने को कह रहा है। hey, hey, स्लो, स्लो, क्या हुआ सर? स्पीड ब्रेकर है। स्लो करने के लिए कहा तो गाड़ी क्यों रोक दी? ऐसा बोलेंगे तो मैं चला नहीं पाऊंगा सर। ओवर एक्टिंग बंद कर और गाड़ी चला। सब कुछ आपको ही बताना है तो मुझे ड्राइवर क्यों रखा है? डैडी, इस ड्राइवर को निकाल देते हैं, मैं कार ड्राइव करूंगी। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। पहले ठीक से साइकिल चलाना तो सीख लीजिए, कार ड्राइव के बारे में बाद में सोचिएगा। पापा चुप हो जा। इसके अलावा और मैं कर भी क्या सकता हूँ? अरे रे रे, गाड़ी भगा क्यों रहा है? ऐसे स्पीड में मत चला, स्लो चला। इसको स्पीड में चलाना कहते हैं क्या? 40-50 में चलाने को आप स्पीड कर रहे हैं, 100-120 में चलाऊंगा तो? जब से तेरी सैलरी बढ़ी है उसके बाद से तू बहुत बोलने लगा है। कम बोल। सर, सैलरी नहीं बढ़ाएंगे तो भी चलेगा, पर थोड़ा तो स्पीड में चलाने दो ना सर। बचपन से ही स्पीड में चलाने का गोल है मेरा सर। जब तक तेरे पास अपनी गाड़ी नहीं आ जाती तब तक ये मुमकिन नहीं है। बेवजह एग्रीमेंट करके फंस गया मैं। क्या लड़की थी यार, एकदम परी, भूल ही नहीं पा रहा हूं उसे। हाय। आप यहां कैसे? कहीं चोट तो नहीं लगी? क्या हुआ माँ? क्या कहा, चोट? कैसी चोट? हाँ, फिर से शुरू कर दिया। कुछ हो तो नहीं गया तुझे? नजर ना लगे, इसकी नजर और उसकी नजर, बाहर वालों की नजर, किसी की नजर ना लगे। हो गया, चल थूक। थूक? अरे इधर थूक ना बेटा। थूक। रुक जा, मैं पानी लेकर आती हूँ। पानी नहीं चाहिए, कॉफी ले आइएगा। यह है मेरी बहन रोशनी। छोटी सी छोटी बातें यह सोशल मीडिया पे शेयर करती है और मैं अपनी सारी फीलिंग्स, चाहे खुश हो या दुखी, सब इससे शेयर करता हूँ। सुनो सुनो भैया, चलो ना थोड़ा सा डांस करते हैं। तेरा एग्जाम कब है? नेक्स्ट वीक है। नेक्स्ट वीक एग्जाम है, तू फोन पे लगी हुई है, फेल हो जाएगी। किताबें छू लिया कर बेटा, इससे कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, बुक से तुझे एलर्जी है क्या? मैंने तुझे कभी पढ़ाई करते नहीं देखा। स्टार्ट हो गई है, जाके पढ़ाई कर। जाओ यहाँ से, बोरिंग कहीं के। हमेशा यही सब करती रहती है। क्या हुआ, ये भी सोशल मीडिया पे डालेगी? हाँ, मेरी तो आजादी ही छीन गई है। अब तूने क्या कह दिया जो इसने ऐसी शक्ल बनाई है? उससे ही पूछ लीजिए।
ए बेवकूफ। अपने बल्ला साहब क्या कर रहे हैं? अपने पापा को ऐसे कौन कहता है बेटा। ठीक है, पापा क्या कर रहे हैं? तुम्हें पता है तुम्हारे पापा के पास एक नया प्रोजेक्ट आया है, तुम उनकी मदद करो ना। हो ही नहीं सकता है, ऐसी चीजों में मुझे मत फंसाइए, मेरे पास और भी बहुत जरूरी काम है। क्या कहूँ मैं, इसका नाम है सुधा। कोई कुछ भी बोले, ये बस अपने गांव की बड़ाई करता है, किसी की नहीं सुनता, बस अपनी सुनाता रहता है। और ये है डीजे, बातें कम गाने ज्यादा, इसका सपना ये है कि ये एक बड़ा रैपर बने। ए चाले करा, को देखा तो प्यार हो गया, पहली नजर में देखा तो मेरा इकरार हो गया। यो मिर्ची कैसा है ये? है क्या ये, मिर्ची 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 करके गा रहा है। वाह बहुत बढ़िया चाय है। अरे ये क्या है, हमारे गांव के बस स्टैंड पर एक आदमी चाय बनाता है, क्या कमाल की चाय बनाता है। क्या हुआ भाई? तो अपने गांव जाओ और चाय पियो। इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। वैसे अभी ये सत्या कहाँ है? वो हैदराबाद में जॉब करता है, वहीं कहीं पढ़ा होगा। कहाँ है तू? हैदराबाद में हूँ भाई, हाईटेक सिटी। वहाँ क्या कर रहा है? सॉफ्टवेयर कंपनी में हूँ ना, डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, प्रोजेक्ट डेडलाइन, क्लाइंट मीटिंग, इन सब में बिजी हूँ यार। अब बस भी कर, हाँ बड़ी बड़ी फेंकना बनकर, चल जल्दी से आ जा। मैं नहीं आ सकता हूँ यार। अगर तू सुबह तक नहीं आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये तूने मुझे सुबह सुबह क्यों बुलाया और जॉगिंग क्यों करवा रहा है? कुछ नहीं, तेरा वजन बहुत बढ़ गया है, वर्क प्रेशर की वजह से क्या? मैं हमेशा से ही मोटा था, तुझे कभी दिखा नहीं क्या? वैसे भी सुबह सुबह नहीं यार, 10 या 12 का प्रोग्राम रखते हैं, शांति मिलेगी। एक काम कर, टिफिन लेके दोपहर 1 बजे तक आ जाना। इसका नाम सत्य है, हमेशा सॉफ्टवेयर की माला जपता है, लेकिन इसने सॉफ्टवेयर की पढ़ाई ही नहीं की है, तो इसे सॉफ्टवेयर की नौकरी कहाँ से मिलेगी? सही वक्त पे सही कोर्स किया होता तो शायद नौकरी मिल भी जाती। अब ये हमेशा कोशिश में लगा रहता है कि इसे बैकडोर से जॉब मिल जाए, लेकिन आजकल टैलेंटेड लोगों को जॉब कहाँ मिलती है, तब से ये फेक आईडी और फेक कार्ड बनवा कर मैनेज करता रहता है। बस हो गई तेरी जॉगिंग? मेरे लिए इतना काफी है। वो सामने जो पहाड़ दिख रहा है, तुझे वहाँ जाके लौट के आना है। फिर से मजाक कर रहा है क्या? मैं नहीं जाऊँगा, वैसे भी एक दिन में वेट कम नहीं होता है। अरे जाना यार, वैसे भी लड़की के आने का टाइम हो रहा है। सेल्फिश कहीं का, मुझे ही मिलते हैं ऐसे लोग। क्या बात है, एक दिन में इतना इम्प्रूवमेंट, तूने तो कमाल कर दिया। बहुत रिलैक्सिंग है। वो तो दिख ही रहा है। बोल, कल से तू जो टाइम बोलेगा ना, बताऊं तो आऊंगा। चल यार चलते हैं, आज के लिए काफी है। क्या हुआ तुम्हें, ये जॉगिंग का नया शौक कब से आ गया? क्या है, हमेशा सोशल मीडिया पे लगी रहती हो, थोड़ा बाहर की दुनिया में भी घूमो। तो उससे क्या हो जाएगा? मेरी बात को सीरियसली लो। उफ़, पागल कहीं के। वैसे भी तू कुछ जानती नहीं है, चल जा। सुनो, तुम नहीं आओगे क्या? अरे जाना। ओ भैया का तो समझ ही नहीं आता। भैया किसका वेट कर रहे हो? तू जाना। एक्सक्यूज मी, हाँ अंकिता। पापा आप कहाँ पर हैं? अब यही साइट पर हूँ। बिजी हैं क्या? नहीं अभी बिजी नहीं हूँ, बताओ। तो फिर एक काम कीजिए, आप घर आ जाइए। ठीक है अभी आता हूँ। ओके ओके पापा, बाय बाय। नाइस, कैसे बनाते हैं इसे आप? चीनी डाल के चक्की में घुमाएंगे तो कैंडी निकल आता है।
चीनी डालने से आता है क्या? एक बार दिखाइए ना। एक बार और अंकल। वाओ। मुझे तो लगा धंधा अच्छा हो गया, पर मैं तो फंस गया, मेरा दिल धक धक कर रहा है। एक बार और प्लीज। करता हूँ। क्या बात है बेटी? पापा। हाँ। ये देखा आपने, इसमें चीनी डालने से कैंडी निकलता है। चीनी डालने से कैंडी निकलता है? वाह, ये तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। आप भी मैम साहब की तरह लाइन में आ गए। मैं यहाँ पर अपना धंधा कर रहा हूँ, बताने के लिए थोड़े खड़ा हूँ कि इसे बनाते कैसे हैं। सोचा था कुछ पैसे मिल जाएंगे तो फिर सिनेमा देखने चला जाऊंगा, ये तो मुझे छोड़ ी नहीं रही है। 2 किलो चीनी खत्म हो चुकी है, ये बनवाती ही जा रही है। कैसे बनता है बताओ, कैसे बनता है बताओ। अब साहब आप ही बताइए कैसे बनती है। जब तुम्हारी समझ में ही नहीं आ रहा है तो फिर तुम इसे बेच क्यों रहे हो? अब ये भी शुरू हो गए। पापा, चीनी डालने से तो पाउडर बनता है, लेकिन ऐसा भी होता है? वाह, बचपन में मैंने भी ये बहुत बार खाया है, पर तुम्हारी तरह मुझे ये आइडिया कभी नहीं आया। तुम जीनियस हो बेटा। बाप रे। चलो, तुमने आज साबित कर दिया कि तुम इंजीनियर की बेटी हो। अरे जाना भाई, जा। दिन भर में 2-4 परिवार मिल जाए तो मेरा तो धंधा ही बंद हो जाए भाई। उससे बात करता तो अच्छा होता, बेवजह मिस कर दिया। बहुत दिनों से दिखाई नहीं दे रही है, आखिर रहती कहाँ है वो? कहीं नजर भी नहीं आ रही है। क्या हुआ, क्या सोच रहा है? यार मैं पहले से ही परेशान हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दे। और परेशान मत कर, इरिटेटिंग फेलो। इरिटेट नहीं कर रहा हूँ, ये पोल्यूशन किसी को शांति से जीने नहीं देगा। आजकल के लोग बिल्कुल भी जागरूक नहीं बनते हैं, जहाँ देखो वहीं सिगरेट जलाते हैं। कहाँ जा रहे हैं? मुंह बंद रखना यार, चुपचाप चल। यार बता देगा तो अच्छा रहेगा ना, मैं अपने साथ मुसीबत लेके घूम रहा हूँ, चुप रहना। तू ऐसा करना, तू गाड़ी में उतर जा। रुक, फिर उतर जा। नहीं, तू गाड़ी में, मैं उतर जाऊंगा। बहुत दिनों से तेरी बकवास सुन रहा हूँ। रुक जाना। काम से फ्री होते ही मैं तुम्हें लेने आऊंगा। चिंता नहीं है पापा, मैं जो के साथ आ जाऊंगी। ओके, ठीक है ना? ठीक है, बाय बाय। राइट या लेफ्ट? ए, कहां जा रहा है? स्ट्रेट। ए, 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 अरे कहां जा रहा है? ओके, ठीक है, बाद में कॉल कर। यही कहीं होगी। हाँ। आज उससे बात करके रहूंगा, आज नहीं मिस करूंगा। यहाँ पे क्यों लेके आया? चुप रहना यार, तू किसे ढूंढ रहा है? हे, सामने से हटो ना। अरे ज्योति दीदी है यार। हाँ। अरे बाप रे, इतना डर गया, मतलब ज्योति दीदी ही होंगी। ए, नाटक मत करो। ऐसा कुछ नहीं है दीदी, आप थोड़ा पतली हो गई है ना, है ना? हाँ हाँ, अच्छा। पाव किलो कम हो गई, नजर नहीं आ रहा क्या? 30 किलो कम होगा तो ऐसे ही दिखूंगी ना। 30 नहीं दीदी, पाव किलो, पाव किलो। वैसे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हम आपसे मिलने आए। हाँ? क्या कहा? ज्योति दीदी से मिलने आए। हाँ? हे, कॉल मी जो। जो बिल्कुल भी बदली नहीं है आप। तुम दोनों यहाँ मुझसे मिलने आए हो, जरूर कुछ गड़बड़ है जो। अरे इसकी तो ये पेंटिंग देखो। अभी कम, ये मेरे कॉलेज का जूनियर है। हाय अभी। हाय, आई एम अंकिता। इन्हें छुड़ाना जरूरी था क्या? अभी अंकिता सत्य, सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्रॉम विप्रो। क्या कहा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर? मैं अभी आता हूँ। कैरी ऑन। ये पेंटिंग इसी ने बनाई है, पेंटिंग के बारे में इसको बता दो ना। हाँ ठीक है, मैं अभी 5 मिनट में आती हूँ। ओके ठीक है। ये अब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है, इसे
हर कोई अपने नजरिए से देखता है। ये कलर, ये लाइंस और ये कलर बिल्कुल तुम्हारे चेहरे की चमक की तरह है, गुलाबी। मतलब सब इसे अपने अपने तरीके से समझते हैं। ये पेंटिंग को छोड़ के तू कॉलेज की हिस्ट्री बता रहा है इसे? कॉलेज हिस्ट्री नहीं दीदी, पेंटिंग की हिस्ट्री बता रहा हूँ, पूछिए। इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, लड़की हो ना इसलिए अच्छे से समझाया। ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? कोई दूसरी लड़की होती तो मैं इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाता। अब इन्हें खुद इतना इंटरेस्ट है इसलिए। इसके इंटरेस्ट का तो नहीं पता, तू ज्यादा इंटरेस्टेड है। लाइटर, जॉब कहाँ करते हो? विप्रो। ओ, और आप? सेम। आप भी विप्रो में हो? हाँ। आपकी कौन सी शिफ्ट है? मॉर्निंग। ओह, मेरी नाइट शिफ्ट है। ओके। इसीलिए हम लोग कभी मिल नहीं पाए, वरना तो। विप्रो, वैसे तुम्हारा टीम लीडर कौन है? मधु। मधु? वो अपना मदारी मधु? हाँ, वही मधु। उसे तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो मेरा बहुत ही क्लोज फ्रेंड था। अमीर पेट में हम लोग रूममेट्स थे। ओके। उसे समझाया था कि गांव में हमारा गर्दी मत कर, कोर्स ज्वाइन कर ले, फ्यूचर अच्छा होगा। और आज वो मेरा फोन भी नहीं उठाता है। एहसान फरामोश है वो, भरोसा नहीं कर सकते। अच्छा? फिर से इसकी एक्टिंग चालू हो गई। ए, आना। मेरा क्लोज फ्रेंड है। सेम कंपनी ना? है, वो सॉफ्टवेयर में नहीं है, वो तो वेल्ला घूमता है, पूरा खाली है, लाइफ में कोई गोल नहीं है, अपने बैच का मैं अकेला इंजीनियर हूँ। बाय, दोबारा मिलेंगे। अबे धीरे 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 चलाना यार। हे, दोबारा कब मिल रहे हैं? जब तुम कहो, तुम्हारी मर्जी। अपना मोबाइल नंबर दे दो। हे, पेंटिंग पसंद आई या नहीं? पेंटिंग की छोड़ो, बोलोगे तो पूरा कॉलेज तुम्हारे नाम कर देगा। अबे तू जरा देख के चला, आजकल की लड़कियां बहुत फास्ट है यार। सच कह रहा है, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। बेटा लाइटर देना। तो क्या है यार ये, बैंक जाते हैं तो पेन नहीं रखते हैं, बाइक चलाते हैं तो हेलमेट नहीं, बस में जाते हैं तो चिल्लर नहीं, सिगरेट पीते हैं तो लाइटर नहीं। हेलो मास्टर, लाइटर। एक सेकेंड। अरे नहीं सर, ले जाइए। नहीं चाहिए क्या? दिस सिगरेट नहीं चाहिए सर, ले जाइए। बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा। तुम्हारा बेटा बहुत बिजी है, मैं तो कुछ और ही समझ बैठा था। ये नया एंगल तो मुझे आज ही पता चला। बाप रे। हेलो अंकल। हाँ, आ जाओ आ जाओ। बाहर जाकर तुम्हारा बेटा क्या करता है पता है? लड़कियों के पीछे घूमकर कमेंट करता है, कॉलेज किसी के नाम कर देगा, जैसे इसके बाप का कॉलेज है। बाहर जाने पर मैं अपने दोस्तों और दुश्मनों के सवालों के जवाब नहीं दे पाता हूँ। भाई वो बंद करो, एक चीज पे फोकस करो। कभी क्रिकेट खेलता है, कभी म्यूजिक का भूत सवार, तो कभी पेंटिंग। चलो जो भी करो, मैं हर चीज में एनकरेज कर रहा हूँ। यही सोच कर कि इसमें कुछ बड़ा अचीव करेगा, लेकिन ये तो सब पे पानी फेर देते हैं। क्या है माँ ये टॉर्चर? और थोड़ी देर बेटा। पापा सेल्फी। इस टाइम पे क्या सेल्फी? पापा चलिए हम दोनों सेल्फी लेते हैं। ओके बेटा। थैंक यू। मुझे नहीं, पहले इसे कंट्रोल करिए आप। वो हर चीज में बेस्ट है, हमेशा फर्स्ट आती है, मेरी बेटी है वो। तुम्हारी तरह चौराहे पर पूछो अपने बेटे से। क्या कहा? तू सिगरेट पीने लगा बेटा? अरे मैं नहीं माँ, ये फूक रहा था, मैं तो बस पकड़े हुए था। वो क्या है अंकल आंटी, सॉफ्टवेयर, न्यू प्रोजेक्ट, टेंशन, वन सिगरेट, डोनाल्ड ट्रंप प्लीज। तू करे तो ओके, तू सिगरेट पी सकता है, दारू पी सकता है, जो चाहे कर सकता है। तेरे जीवन का एक लक्ष्य है, सॉफ्टवेयर कंपनी में सेटल हो गया। और जरा इनको देखो। एक दिन वो भी सेटल हो जाएगा अंकल, आप टेंशन क्यों लेते हैं? उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ, देखते हैं। तो क्या फैमिली है यार तेरी। मैं चलता हूँ अंकल। अपना थोड़ा पेट कम कर। ओके। मैं इंजीनियर नहीं हूँ, तेरी बहन को पता नहीं है क्या? पता नहीं है, चल निकल। ओके। अरे अभी बहुत सारी चीजों से ध्यान हटाकर किसी एक चीज पे फोकस करो भाई। कितनी बार कहूं पापा? क्या कहा? मैंने आपसे कहा ना मत पूछिए। पूछना मत कहना भी कुछ कहना होता है क्या?
अंकिता गुड मॉर्निंग। क्या हुआ बेटा, परेशान लग रही हो? पापा मुझे एक सपना आता है। बेटा सपना सबको आता है, बार बार एक ही सपना आता है पापा। सपनों से परेशान नहीं होना चाहिए। अच्छा ये बताओ आज का तुम्हारा प्लान क्या है? कुछ भी नहीं। ओके हॉर्लिक्स ले लो बेटी। चलो बेटा पी लो इसे। मुझे नहीं चाहिए पापा। पापा ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं बेटी। आज ऑफिस में मेरे बहुत सारे मीटिंग्स हैं, मुझे जाना होगा। परेशान मत होना, अपना ध्यान रखना, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है। पता नहीं क्यों आज अंकिता बहुत उदास है, अपने सपने के बारे में बहुत सोचती है। तो क्या एक बार अंकिता को तुम्हारे पास लेकर आऊं? नहीं, सपना ही है ना, इसके बारे में आप ज्यादा मत सोचिए। उसका सपना भी हो सकता है या उसकी यादें भी हो सकती हैं। तुम ज्यादा मत सोचो, मैं अंकिता से बात करूंगा, तुम चिंता मत करो। ओके। जो मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। सच में मैंने सरप्राइज कर दिया ना? तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? जल्दी से तैयार हो जाओ, बाहर जाके कुछ खाते हैं, बहुत भूख लगी है। जो मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाऊं क्या? तुम्हें खाना बनाने आता है क्या? वेट हाँ, आई विल बी बैक 5 मिनट्स। खुशबू तो बहुत अच्छी है। टैंटडा। ये सब क्या है, तुम खुद बताओ? खुशबू तो ऑमलेट की है, पर देखने में कुछ अलग ही लग रहा है। अंकिता ने बनाया है, अलग तो लगेगा ही। खाकर बताओ कैसा है, मैं 2 मिनट में आती हूँ। हाँ मूवी देखने चलते हैं। मूवी देखना मुझे पसंद नहीं है। ठीक है फिर तुम बताओ क्या करें। कहाँ चलें? हाँ हम उनसे मिले थे ना। कौन? वही आर्ट गैलरी में, वो अभी। हाँ तुम उसके बारे में क्यों सोच रही हो? सारे लड़के ऐसे ही होते हैं, एक बार मिलो तो घूमना फिरना चाहते हैं। तुमने उसके बारे में सोचा? अगर ये बात उसे पता चली तो वो तुमसे तुम्हारी लाइफ मांगेगा तो दे दोगी? हे हाय। अभी हम फिल्म देखने जा रहे हैं, ठीक है ना? फिक्स कर लिया? रुको रुको मैं आता हूँ। ये अच्छा आइडिया है यार। हे जो। हाय तुम लोग यहाँ कैसे? चलते चलते बात करें। मुझे देख लो कितने लोग लाइन मारते, पर मैं किसी को भाव नहीं देती। तुम भी ऐसा ही करना। मैं आपके बारे में ही बात कर रही थी और आप अचानक से आ गए। मेरे बारे में? हाँ। रियली? आप इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं? देख जरा कैसे शर्मा रहा है। ऐसे ही पूछा मैंने। तो इस लड़की के बारे में सोच रहा है और ये तेरे बारे में सोच रही है, क्या बात है। अभी लकी है बेटा तू। यूथ लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सिली फेलोस। तू यूथ है क्या? तू जो सुबह से उसके साथ सॉफ्टवेयर बोलकर घूम रहा है उसका क्या, वो टाइम वेस्ट नहीं है क्या? मैं काम करता हूँ यूएस वाले क्लाइंट के साथ, उनकी रात होती है हमारा दिन होता है। सुबह से शाम तक तो हमारे साथ ही झक मारता है ना। दोपहर में काम करता हूँ, तुझे क्या लेने देना? सीबीआई की तरह फालतू में क्वेश्चन कर रहा है। तू सॉफ्टवेयर के बारे में जानता है क्या? कुछ जानता हूँ। जबा जानता है क्या? साइकिल होती है। ओरेकल जानता है क्या? रामा टॉकीज के बगल में वही ना। ची, ची, और क्या कुकीज जानता है? कल ही तो खाया था, कमाल का था। पागल कहीं क्या? वो सब छोड़ यार, मैं एक नए प्रोग्राम पे काम कर रहा हूँ, 1 साल के अंदर तू देखते रहना। 10 साल से तू यही कह रहा है, कुछ बोलो तो उल्टा मुझसे ही सवाल करने लगता है। मेरे गाँव में ऐसा ही एक लड़का था, लड़की के पीछे पड़ा हुआ था।
लड़की ने मना कर दिया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद उसने बोतल का सहारा लिया और उसका पेट खराब हो गया। उसके बाद का क्या, इतना होने के बाद उसका कोई अता पता नहीं है। उसका बाप मुझे फोन करता है। तू बोला तो मेरा सर घूम रहा है। मेरा भी घूमता है। कहाँ रह गई तुम? मैं अभी के साथ। लोकेशन भेजो, आती हूँ। हे अंकिता, ये हाय। हाय सत्या, आर्ट गैलरी में? या वही। एक्सक्यूज मी, ये आजकल बहुत बिजी हो गया है। आप कौन सी कंपनी में हैं? मैं TCS में प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। आईडी तो विप्रो की है पर TCS में जॉब? पकड़ा गया। वो मैं फ्रीलांसर के तौर पे काम करता हूँ ना। फ्रीलांसर? कंसल्टेंट के तौर पे सबके लिए करता हूँ। TCS, सत्यम, विप्रो, टाटा, सबके लिए। hey, बस कर। हाँ ये इन कंपनियों में काम करना चाहता है लेकिन इसे कोई काम नहीं देता। तूने कहा था ना किसी को नहीं बताएगा। ये तो अपनी है यार। ठीक है, ये बात हम तीनों के बीच ही रहनी चाहिए, ठीक है ना? प्रॉमिस? प्रॉमिस किसी से नहीं कहेंगे। क्यों भाई, किस बात का प्रॉमिस हो रहा है? पार्टी मांग रही है तो पक्का दूंगा, इसी बात का प्रॉमिस है। चल बैठ। अच्छा, अब तू पार्टी भी देगा? क्यों नहीं दूं? पहले जो पैसे ले रखे वो दे। अरे ज्योति दीदी। hey, call me Joe. ज्योति दीदी बैठिए ना। सुनो बहुत टाइम हो गया, चलते हैं। बैठिए ना दीदी। बैठो ना। ज्योति दीदी के लिए बड़ा फेंटा लेके आओ, ठंडा होना चाहिए। मूवी का टाइम हो रहा है, चलो चलते हैं। अभी मूवी? लंच के लिए चलते हैं ना। हमने पहले ही टिकट बुक कर लिया है। अच्छा है ना? बैम्बू चिकन क्या होता है? तुम बैम्बू चिकन नहीं जानती? इससे पहले खाया नहीं है? मेरा फेवरेट फूड है वो। हे हाय गाइस। क्यों भाई? hey. कहाँ चला गया था? हाय ब्रो। हाय डीजे। अंकिता ये है डीजे। हाय। हाय। ये बहुत अच्छा सॉन्ग लिखता है लेकिन इसके सॉन्ग्स को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। hey, कल मैं सबका मुंह बंद कर दूंगा। क्यों? मैं फर्स्ट टाइम शो कर रहा हूँ ना, कोई भी मिस मत करना। अंकिता तुम भी इनवाइटेड हो। डीजे क्या होता है? डीजे का मतलब नहीं पता? शिट, इसे तो कुछ भी नहीं पता है। अरे आओ ना। पॉसिबल नहीं है। hey, अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हमें जाना होगा, हम नहीं आ सकते। hey, उसे प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्यों है? प्लीज, मैंने कभी डीजे देखा ही नहीं, चलते हैं ना। प्लीज चलो ना। ओके। यहीं पे। ठीक है, पहले ही बहुत लेट हो गया है। बाय। ओके बाय। बाय। चलो चलो। बाय। चल यार। ओके बाय। बाय सत्या। अबे चल। चलता हूँ। रुकना एक मिनट। इसकी तो अभी आज मैंने बहुत एंजॉय किया, बहुत खुश हूँ मैं। तो अब हम दोबारा कब मिल रहे हैं? कल मिल सकते हैं? मैं बोल रहा हूँ ना, वो लड़की तेरे प्यार में पड़ गई है, मैंने पब में ही देखा था। मेरी बात मान, जाके बोल देना। मैं तो बोलूंगा ही लेकिन पहले उसे बोलने दे। बाप रे, मेरी बात मान, ऐसे बेकार प्लान काम नहीं करते, जाके खुद ही बोल दे उसे। मेरे बोलने से अच्छा है कि वो सामने से बोले। अब क्या बोलूं तुझे, उस लड़की को प्यार हो गया तुझे। चल, ठीक है, चलते हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, नो डाउट। चल ना। अबे अबे जाइए ना, उठ जाओ। पता है कितना टाइम हो रहा है? क्या हुआ? 12 बज चुके हैं, लंच करने का टाइम हो गया है, उठो। क्या हुआ, आप ऑफिस नहीं गए क्या? कार सर्विस में गई है, तुम मुझे ड्रॉप कर देना। चलो कैब से चले जाइए। जा सकता हूँ लेकिन आज मैं तुम्हारे साथ ही जाऊँगा, आ जाओ। यही बाकी रह गया? ये डैडी भी ना मुझे 12 बजे उठा रहे हैं।
हेलो वर्मा जी। हाँ राव जी, जरा रुको। ये क्या है पापा, आप तो कह रहे थे ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। ना कैसे है राव जी? मैं अच्छा हूँ। ऑफिस जा रहे हैं? नहीं नहीं, घर जा रहे हैं। घर तो इधर है, उधर क्यों जा रहे हो? ये आपका बेटा है क्या? हाँ। क्या करता है? नौकरी के अलावा जितने काम है सब करता है ये। आप यहीं रहते हैं? हाँ मैं यहीं रहता हूँ। मैं इन्हें छोड़ के आता हूँ, तब मिलता हूँ। अरे वर्मा जी। अरे रुको रुको, क्या हुआ पापा? रुको जरा, बात कर लेना। आपके लिए गुड न्यूज है। क्या है? मेरे बेटे का यूएस में सिलेक्शन हो गया है। बहुत बढ़िया। यही बात बताने के लिए सुबह से आपको ढूंढ रहा हूँ मैं, और आप पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। कांग्रेचुलेशंस। यही बताने आए क्या? हाँ। कहाँ? यही बगल में क्या? हाँ? आपके सारे फ्रेंड्स ना रिपोर्टर की तरह मेरे पीछे पड़ गए हैं। क्या हो पंडित जी? नमस्ते, नमस्ते सर। कैसे हैं? अच्छा हूँ सर। गुड। आपके बेटे की शादी कब है? क्या करोगे जानकर? मेरे ऑलरेडी दो बच्चे हैं। हाँ सर, आपने कभी बताया नहीं? मुझे भी अभी भी पता चला है। आपका बेटा बहुत फास्ट है। आजकल के बच्चे फास्ट ही होते हैं। हाँ? गुड मॉर्निंग सर, आप इतना लेट क्यों हो गए? ट्रैफिक में फंस गए थे क्या? नहीं, अपने बेटे के साथ। सर ये आपका बेटा है क्या? हाँ। पिक्चर के हीरो की तरह दिखता है। ओंकार, हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे, वैसे ही उल्टे सीधे काम करता है। और तुम ये हीरो बनने का आइडिया अपनी तरफ से मत दो। क्या है अभी, फोन क्यों नहीं पिक किया? कितनी बार कॉल किया मैंने पता है? अब क्या बताऊं यार तुम्हें? बताओ ना प्लीज। आज सुबह सुबह मेरे पापा मुझे उठा के ऑफिस ले गए और बहुत टॉर्चर किया यार। मेरे दो दो बच्चे भी करवा दिए। हाय बेटा। हाय पापा। जया कॉफी लेकर आओ। अभी लाती हूँ जी। अंकिता, फोन पर कौन है? अभी है पापा। अरे हाँ, मैं हाँ? आपको बताना भूल गई, सुरेखा ने यूएस से फोन किया था, वो अगले महीने इंडिया आ रही है। बहुत सालों बाद मेरी बहन इंडिया आ रही है। सच में तुम भी ट्रंप को कहकर वीजा कैंसिल करवा सकते हो क्या? तुम कहो तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। हाँ बाय। दोस्त गर्लफ्रेंड कौन हो सकती है? इतनी जल्दी डाल दिया। हाँ हेलो। हे पता चल गया क्या? कौन है, क्या है, तुमने बताया नहीं? नहीं, वो मेरी सिर्फ फ्रेंड है, बल्कि फ्रेंड से बढ़कर है। वो मेरी फ्रेंड है? फ्रेंड से बढ़कर है। देखो अब ये नाटक बंद करो और साफ साफ बताओ कौन है वो लड़की। लड़की? तो फिर क्या, लड़का है? अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ठीक है बताओ ना कौन है। ए, जाए से। तेरी तो मैं तुझे। वहाँ देखो भैया को। ए, उस लड़की को प्रपोज किया है? नहीं नहीं यार, लड़की पट तो गई है, लेकिन मैंने प्रपोज किया और नेगेटिव रिजल्ट आया तो मैं क्या करूंगा यार? तेरे जैसा एक लड़का था जिसने लड़की को प्रपोज किया, लेकिन वो लड़की शादीशुदा थी, लड़के की बहुत पिटाई हुई। ए, तो चुप कर, मैं उसकी आंखों में देख के बता सकता हूँ कि वो मुझे कितना प्यार करती है। आंखों में देख के बता सकता है, पैर को देख के बता सकता है, हाथ देख के बता सकता है, ये सब छोड़ जाके प्रपोज कर उसे। हे, 99% अंकिता मुझसे पट गई है, बस 1% का डाउट है। वही कहा, वही से तो सब धोखा खाते हैं। जानता हूँ मैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अंकिता सामने से आकर के आई लव यू बोले। इतिहास में कहीं नहीं लिखा है कि लड़की ने लड़के को प्रपोज किया, लड़के ही लड़कियों को प्रपोज करते हैं। लड़के ग्रेट हैं भाई, सबसे बेस्ट। हे, कुछ फीलिंग्स खुशी दिलाती हैं यार। प्यार होने के बाद लड़की को देखना, उसका इंतजार करना, उससे अपने मन की बात करना, हमेशा उसके पास रहना, ये सब चीजें कितनी खुशी देती है ना। अगर पहले दिन इजहार कर दिया तो ये सब मिस हो जाएंगे यार। मेरी लव स्टोरी कूल, इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल होनी चाहिए। वो लड़की तुझसे पड़ गई ये सोचना, वो लड़की सिर्फ तुझसे ही बात करती है, तेरे साथ ही बाइक पर आती है, तेरे ही सपने देखती है, और आखिर में क्या होगा, कोई और ले जाएगा, ये सब कॉमन है। hey, तू कभी पॉजिटिव बात नहीं कर सकता क्या? अरे असल में चुप रहे। hey, लड़की चाहती है कि मैं प्रपोज करूं, और मैं चाहता हूं कि लड़की प्रपोज करे। तुम लोग को पता है ये फीलिंग्स कितनी अच्छी है? तुम लोग इसे फील नहीं कर पाओगे, तुम लोग तो बेवकूफ हो ना, इसीलिए बोल रहा हूँ। 6 महीने घूमने फिरने के बाद एक दिन बोलेगी कि हमारे बीच में प्यार नहीं सिर्फ फ्रेंडशिप है, और फ्रेंडशिप बैंड बांध के टाटा करके निकल लेगी। इसलिए पहले ही बोल रहा हूँ, क्लियर कर ले। तू पहले ही क्लियर कर ले, नहीं तो बाद में पछताएगा। वैसे भी तुझे कुछ नहीं होगा भाई, दिखने में तो अच्छा लगता ही है ना, कोई परवाह नहीं। नाक से याद आया, मेरे गाँव में एक राजू था, उसकी नाक बहुत अच्छी थी। वो हर बात में कोई ना कोई गाँव का रहता है। बंद कर पुराण, चलता हूँ भाई। ये लोग क्या बोल के जा रहे हैं, बेकार में दिमाग में डाउट डाल दिया है, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा।
बाप रे, इतने प्यार से वो मुझे बहन बुला रहे हैं। जरूर कोई काम होगा तभी मुझे बुला रहे हैं। क्लास में बिजी हूँ। हेलो। हेलो रोशनी, जल्दी बोलो भैया, क्लास स्टार्ट होने वाला है। सच कह रही हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो एग्जाम है ना, तो बात नहीं कर सकती। लगता है इसे समझ में आ गया। अच्छा सुनो, मैं आज आइसक्रीम पार्लर जा रहा था, सोचा कि तुम्हें भी साथ लेते चलूं। आइसक्रीम? हमेशा पढ़ते वक्त डिस्टर्ब करते हैं आप। तेरी पढ़ाई के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। अब आप इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो ठीक है, मैं देखती हूँ। आ रही हो ना पक्का? हाँ आ रही हूँ मैं। ओके, मेरे सामने होशियारी करती है। इसके पैसे से आइसक्रीम खाऊंगी, बहुत खुश हूँ मैं। अभी पूछूं या फिर खाने के बाद पूछूं? खाने के बाद पूछ लेना, तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। बिल तुम मेरे लिए छोड़ कर जाओगे ना, इसलिए। मेरे साथ गेम खेल रही है। अच्छा लड़कियाँ कैसी होती हैं? जाकर आंखों के डॉक्टर को दिखाओ, फिर सामने बैठकर उन्हें अच्छी तरह से देखना, पता चल जाएगा कि लड़कियाँ कैसी होती हैं। बिल्कुल मेरे जैसी। हे बंदरिया जैसी शक्ल वाली। ऐसे बोलोगे तो मैं चली जाऊंगी। सॉरी सॉरी सॉरी। अब आए ना लाइन पे। दरअसल मैं पूछना चाहता हूँ कि लड़कियों का मन कैसा होता है। साफ साफ बताओ ना। ठीक है, ये लड़कियाँ आई लव यू कहती हैं या नहीं कहती हैं? मैं तो वो क्या, मैं तो वो क्या सोच रही हो? हमारे घर के बाहर जो बाइक चलाता रहता है उसके बारे में सोच रही हो? सच सच बता, वही लड़का है ना? हाँ, फर्स्ट ईयर में और तेरी लव स्टोरी शुरू हो गई है। अपनी उम्र देखी है तूने? अरे बाप रे, कुछ ज्यादा ही बोल दिया क्या? हेलो, मेरा कोई सीन नहीं है और देखने वाले का भी कोई सीन नहीं है। मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है ये बात मुझे अच्छे से पता है। तुम ओवर रिएक्ट मत करो। अच्छा ठीक है बाबा, नहीं करूंगा। प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसके लिए एक उम्र होती है ना। तू अभी छोटी बच्ची है, जब मेरी उम्र की हो जाएगी ना तब कर सकती है। वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हें डाउट अपने बारे में है मेरे बारे में? बताओ नहीं तो मैं चली जाऊंगी। वैसे मुझे एक और आइसक्रीम खानी है। कितनी आइसक्रीम खाओगी? तुम्हारे फ्रेंड्स के बारे में कोई लव स्टोरी हो तो बताओ मुझे। वो मेरे फ्रेंड ना तुम्हारे जितने बड़े नहीं है, प्यार करने के लिए उम्र चाहिए ना। बताना हो तो बताओ जल्दी, ज्यादा नाटक मत करो प्लीज यार। कैसे भाई हो तुम? बहन से कोई प्यार के बारे में पूछता है क्या? तुमसे प्यार के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, बस ये पूछ रहा हूँ कि लड़कियाँ इस बारे में क्या सोचती हैं। लड़कियाँ अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करती, उसे मन में ही रखती हैं। पहले तुम्हें जाके बताना होगा, तब तुम्हें पता चल जाएगा। कल हम मिले क्या? तुमसे कुछ बात करनी है। इतना ज्यादा मत उड़ो, थोड़ा नीचे ही रहो। ऐसा क्या? और हाँ क्या हुआ, तुम अभी कह रही थी ना कि लड़कियां दिल की बात अपने मन में ही रखती हैं। जितनी आइसक्रीम खाई उसका बिल देके सोशल मीडिया पे डाल देना, काफी लाइक्स मिलेंगे। बाय बाय। लड़कियां बिल नहीं भरती। तुमसे बहुत दिनों से एक बात बताना चाहती हूँ। अभी आई वांट टू से आई लव यू। आई लव यू अभी। सच कहूं तो मैं भी बस यही सोच रहा था कि तुम्हें कैसे बताऊं। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तभी तुमसे प्यार हो गया। आई लव यू टू, आई लव यू टू। अरे ये क्या है, मैं कोई सपना देख रहा था क्या? छे मेरा ड्रेस तो ठीक है, लेकिन ये अंकिता कैसा ड्रेस पहनी है? ये मिसमैच क्यों? वैसे ड्रेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ड्रेस को अभी साइड में रखते हैं, दिल की बात इंपॉर्टेंट है। हाय। हाय अंकिता। हाय।
मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। इस बार तो सच है ना, बिना टाइम वेस्ट किए पूछो। पूछना तो है पर डर लग रहा है तुम गलत ना समझ लो अभी। मैं क्यों गलत समझूंगा, वैसे भी जो तुम्हें महसूस हो रहा है वही मुझे भी हो रहा है। ठीक है तो मैं पूछती हूँ। मुझे क्या तुम मुझे पेंटिंग सिखाओगे क्या? क्या कहा? पेंटिंग? पेंटिंग में क्या है, मैं सिखा दूंगा। तुम्हें पेंटिंग पसंद है क्या? एक्चुअली मुझे पेंटिंग सीखने की जरूरत है। ठीक है वो सब छोड़ो, नेक्स्ट। नेक्स्ट है तुम्हारी तरह पेंटिंग बनाकर एग्जीबिशन में रखने का मेरा कोई इरादा नहीं है, बस तुम्हें देखकर इम्प्रेस हो गई मैं। तुम्हें पेंटिंग सीखनी है बस इतना ही है ना? मैं तुम्हें सिखा दूंगा वो बात नहीं है अंकिता, तुम जो कहना चाहती हो वो कहो, कुछ बातों में क्लैरिटी होनी चाहिए। मेरी तरफ से हर चीज में यस है, अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं तो तुम नो ना बोल दो। क्या यस और क्या नो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो तुम्हारे मैसेज में फ्लावर और लव सिंबल्स। मैसेज थोड़ा कलरफुल हो जाएगा इसीलिए मैंने भेजा। यही बताने के लिए बुलाई थी यहाँ? हाँ। और कुछ नहीं बताना है? नहीं और कुछ नहीं बताना। ये तो फोन पे भी कह सकती थी ना? फोन। सो पेंटिंग सीखने के लिए तुमने यहाँ बुलाया था, कंफर्म है ना? कंफर्म। बस पेंटिंग ही ना, मैं सिखा दूंगा, चलो जाओ बाय। बाय। मेरी बहन ने सही कहा था, लड़कियां प्यार का इजहार नहीं करती हैं। क्या हुआ भैया? चलो बता मुझे क्या हुआ है। सोच के कुछ और गया था लेकिन हुआ कुछ और। मुझे पता था तुम्हारी सोच के बारे में और तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो वो भी पता है। वैसे तुम लड़कियों के बारे में क्या सोचते हो भैया? उसने तुमसे थोड़ी सी बात कर ली तो आकर तुम्हें प्रपोज करेगी क्या? तो फिर अंकिता को मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है क्या? और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो मुझसे प्यार करती है? और कुछ भी कहो यार, अंकिता बहुत डिफरेंट है, बहुत मासूम है, बाकी लड़कियों की तरह नहीं है। अगर वो इतनी ही अलग लड़की है तो फिर वो तुम्हें क्यों प्रपोज करेगी? तो अब मैं क्या करूं? मैंने जो आइसक्रीम का बिल भरा था वो मुझे लौटा दो पहले। ए, दे दूंगा यार, कुछ ज्यादा ही कर रही हो तुम। कल जो तुमने मेरे साथ किया उससे तो कम ही है। पहले बताओ बिल दोगे या नहीं, ब्याज के साथ देना होगा। पर्स दो मुझे। पैसे चाहिए तुम्हें? आइसक्रीम भी दिलवाऊंगा पैसे भी दूंगा, कोई अच्छा सा आइडिया दो ना यार, वैसे ही इतना कंफ्यूजन हुआ पड़ा है। अगर तुम जाकर प्रपोज करो तो? मैंने प्रपोज किया उसने मना कर दिया तो टेंशन होगी, उसने प्रपोज किया तो कोई टेंशन नहीं होगी। कुछ ना कुछ करके उसके दिल की बात पता लगानी होगी। तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा, लड़कियां कभी भी प्रपोज नहीं करती है, तुम्हें ही करना होगा, जाके उसे प्रपोज करो। करना ही पड़ेगा। अंकिता तुम्हें खाना बनाना आता है? ऑमलेट बहुत अच्छा बनाती हूँ। ऑमलेट तुम्हें पसंद है? वैसे खाने का कुछ नहीं है, माँ तो बना ही देंगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, कैसे शुरू करूं? तुमने कहा था सरप्राइज दोगे। ऐसा कुछ नहीं है, अबे अभी अंकिता को प्रपोज करने आया ना, फटाफट कर दे, ऐसे शर्माता रहेगा तो पूरी रात यहीं गुजर जाएगी। हिम्मत दिखा, प्रपोज कर उसे। क्या हुआ अभी? खुद से ही बातें किए जा रहे हो तुम? हाँ तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं, कौन सा शैम्पू लगाया? मेरे बाल? बात ये नहीं है, तुम जरूर कुछ और बोलना चाहते हो, समथिंग समथिंग है ना? आज बादल अच्छे लग रहे हैं ना? बहुत अच्छा है। तुम्हें पूरी वेदर की रिपोर्ट दूं? और क्या चाहिए तुम्हें, खुद से तो बोल नहीं सकती हो, मेरी लाइफ का फर्स्ट लव है, पहली बार कैसे बोलूं कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं यार कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। चल शुरू हो जा, कम ऑन, 1 2 3 4। अंकिता क्या हुआ अभी? तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। आंखें? नहीं हो पाएगा मुझसे अभी। क्या हुआ है तुम्हें, अजीब सा बर्ताव क्यों कर रहे हो? अजीब सा नहीं, बहुत गंदा बर्ताव कर रहा हूं मैं।
तुम्हें पता है मैं क्या कहना चाहता हूँ? क्योंकि तुम तो कुछ कहने वाली नहीं हो, मैं ही कुछ कहता हूँ। कल बोलूँ क्या? ए, डांस करे क्या? ये तुम्हें सुनाई दे गया? उस दिन तुमने बहुत अच्छा डांस किया था, मुझे भी डांस करना सिखाओ ना प्लीज। प्लीज 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 प्लीज। अभी कैसे? अरे नहीं नहीं, प्लीज अभी प्लीज सिखाओ ना। फिर कभी करूंगा। अंकिता, दिस इज माय फेवरेट प्लेस, ये जगह मुझे बहुत पसंद है, तुम्हें पसंद आई? अमेजिंग। बताओ ना मुझे डांस सिखाओगे या नहीं? अरे यार बेटा, ये छोड़ेगी नहीं, ऐसे राउंड करो। अरे अभी अभी तुम्हारे साथ रहकर मुझे कितनी खुशी होती है पता है? तुम तो इतने ज्यादा हैंडसम हो। तुम्हें अब तक किसी लड़की ने प्रपोज नहीं किया क्या? तुम्हारी कोई लव स्टोरी नहीं है क्या? अभी तक तो ऐसी कोई लव स्टोरी नहीं है। अगर तुम लव एक्सेप्ट ही नहीं करोगी तो कहां से लव स्टोरी बनेगी? प्यार के बारे में तुम क्या सोचते हो अभी? प्यार मेरे लिए गुजरा वक्त नहीं है, आने वाला वक्त है। अगर हम किसी को प्यार करते हैं फिर वो चाहे जिस भी हालत में हो अपने प्यार का साथ नहीं छोड़ना चाहिए और ना ही उसे भूलना चाहिए। मेरा मानना ये है और यही मेरी फीलिंग है और मैं सोचता भी यही हूँ। मेरी भी यही सोच है। अच्छा। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, अभी बोल दे। अंकिता, आई लव। इतनी मेहनत से मैंने हिम्मत जुटाई और ये यहां से चली गई। सॉरी सॉरी, तुम कुछ कह रहे थे ना? अब क्या कहूं? अभी तुम्हें एक बात पता नहीं है, मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ। बस इतना ही नहीं, वो मेरी जान है। मैं अपने पापा से अपनी हर बात शेयर करती हूँ, लेकिन आज मैं पापा से शेयर किए बिना तुमसे फर्स्ट टाइम एक बात कहना चाहती हूँ। तुम मेरे दिल के बहुत करीब हो, इसीलिए कह रही हूँ। सब कुछ कह रही है लेकिन आई लव यू नहीं बोल रही है। ऐसा क्या है जो तुम मुझे बताना चाहती हो? मेरे सपने में एक लड़का आता है, मैं उसी का इंतजार कर रही हूँ। सपने में? हाँ, अभी मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ, वही मेरा लव लाइफ, मेरी जान है। मैं उसके लिए पूरी जिंदगी इंतजार कर सकती हूँ, वही मेरा फर्स्ट एंड लास्ट लव है। कभी ना कभी वो मेरे सामने जरूर आएगा, मुझे भरोसा है। बताऊंगी तो तुम्हें मजाक लगेगा, पर मुझे पता भी नहीं है वो कैसा दिखता है और कहाँ होगा वो। मेरी लव स्टोरी बताकर मैं तुम्हें बोर कर रही हूँ ना? तुम मेरे पास हो इसलिए मैं अपने दिल की बातें तुमसे बस खुल के शेयर करना चाहती हूँ। हे, तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो? नजारा देख रहे हो क्या? ए, अभी 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 मेरी बात तो सुनो, रुक जाओ अभी। पता है मैं तुम्हें क्या बताने आया था, लेकिन तुमने सुने बगैर पता नहीं क्या क्या बोल दिया। क्या कहना चाहते हो तुम अभी? अब बताने से क्या फायदा? क्या बोलना है? अंकिता, आई लव।
मुझे लगा उसे बोलना नहीं आता, लेकिन उसने मुझे भी नहीं बोलने दिया। क्यों रे, अभी भी उस लड़की के बारे में सोच रहा है क्या? जब तू उसके बारे में सीरियस हो गया था तभी मैं जानता था कि एक दिन इसी तरह बीच में बैठ के हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। बोलता हूँ तो सुनता ही नहीं है। इसका फर्स्ट लव है, उतना तो पेन होगा ही। अरे इसे शांति से बैठने दो। इतिहास में ऐसा कोई नहीं है जिसका लव फेलियर ना हुआ हो। हर सक्सेसफुल लव स्टोरी के पीछे फेलियर होता है। हमें दुखी होकर उसमें डूबना नहीं चाहिए, इससे बाहर निकलना चाहिए। मेरी बात मान यार, इससे बाहर निकल। hey, इन लड़कियों को समझना बहुत मुश्किल है यार, बहुत कंफ्यूज करती हैं। Yes. तुम मुझे बहुत पसंद हो, जिंदगी भर तुम ऐसे ही रहना। तुम्हारे साथ टाइम का पता नहीं चलता, लाइफ लॉन्ग मिस नहीं करना चाहती। दुनिया भर की बातें बोलती हैं, लेकिन जो बात उन्हें बोलनी चाहिए वो बात वो लोग कभी नहीं बोलती। बोलो ना तुमसे प्यार करती हूँ, ये बोलने में उन्हें पता नहीं क्या हो जाता है। क्या चीज बनाई है आपने, इस समुद्र की गहराई नापी जा सकती है लेकिन लड़कियों को नहीं समझा जा सकता। पता नहीं कैसी होती हैं, फुल कंफ्यूजन। ये सारी लड़कियां ऐसी होती हैं, पहले हमारे साथ अच्छे से रहती है, उन्हें देखकर हमारी उम्मीद बढ़ जाती है, उनके बारे में सपने देखते हैं, हमारी लाइफ कलरफुल हो जाती है, फिर वो दूसरों से सेट हो जाती है, हमारी लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है। ऐसा मैंने अपने गाँव में बहुत बार देखा है। वो पहले से ही जल रहा है, ऊपर से अपने गांव की ऐसी वैसी बेकार स्टोरी सुनाई जा रहा है। बॉटल से मार के सर फोड़ दूंगा बे। अरे भाई ये फैक्ट है यार। ये लड़कियां भले ही आई लव यू कहने के लिए सोचती होंगी, पर ब्रेकअप करने के लिए कभी नहीं सोचती होंगी। ये सही कहा तूने। मैंने सोचा आई लव यू बोलेगी, लेकिन नहीं बोली। आई लव यू बोले बिना इनडायरेक्टली ना बोल दिया। क्या बोलता है भाई, किस्मत है, कुछ नहीं कर सकते। सुनामी आया, तूफान आया और लास्ट में हमने नोटबंदी भी सह ली, लेकिन ये दिल का दर्द नहीं सहा जाता यार। सही कहा। इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया था, लाइफ के लव में सब होता ही है यार, थोड़ा प्रैक्टिकल सोच के आगे बढ़ जाना चाहिए। पहले आप करता रहेगा तो गाड़ी निकल जाएगी बे। पर वो लड़की बाकी लड़कियों की तरह नहीं है यार, बहुत अच्छी है, मुझे पसंद भी बहुत करती है। पर ऐसा क्यों कर रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या पता मेरे साथ कोई गेम खेल रही हो, मुझे तो ऐसा ही कुछ लग रहा है मेरा भाई। अरे यार इतना सब होने के बाद उस लड़की के बारे में पॉजिटिव बोल रहा है, या तो तू बेवकूफ है या बहुत मासूम है। हमारे लिए प्यार व्यार सब वेस्ट है, सुबह उठकर बाहर जाने का, अपना काम करने का, रात को चिल करने सही का। कहा तू दो पैग मार सब ठीक हो जाएगा। इससे दारू बर्दाश्त नहीं होती। पहले आए हुए देवदास से लेके अभी लेटेस्ट आए हुए कबीर सिंह तक, ये बॉटल ही हम लोगों का सहारा है। आज से मेरी लाइफ है ये दारू और लड़की, कट कट मेरे भाई। वैसे इन लड़कियों के बारे में एक और बात बताता हूँ। क्या हुआ अभी, बात क्यों नहीं कर रहा है? थोड़ी चटनी दीजिए। कुछ भी ठीक से नहीं बताता। अब बता। अच्छा ठीक है, पापा को बोलिए आज मैं भी उनके साथ ऑफिस जाऊंगा। इसीलिए तेरा मुंह उतरा हुआ है क्या? क्यों ना जाऊं? बात वो नहीं है तो खुद बोल देना बेटा। क्यों, आप बोलिए मैं बोलूं, बात तो एक ही है ना। ठीक है बता दूंगी। ग्रीन टी ले लीजिए। थैंक यू। शुगर डाला क्या? वही कम करने के लिए आप जॉगिंग करके आए हैं, फिर से चाहिए क्या? अगर आप शौक ना हो तो आपके लिए गुड न्यूज है। अभी ने कहा कि वो ऑफिस आएगा। हाँ? ये अचानक बदलाव कैसे? पता नहीं, वो उसको और आपको ही पता होगा। मुझे भी डाउट है, मेरे ऑफिस आने के लिए इतना डिस्कशन क्यों? नहीं आता हूँ तो आप बुलाते हैं, आ रहा हूँ तो प्रॉब्लम हो रही है। आप ऑफिस जा रही है या नहीं? मैं आज नहीं जाऊंगा। ठीक है मैं जा रहा हूँ। अभी आज संडे है। फिर भी मैं जाऊंगा। तुम्हारा बेटा संडे को ऑफिस जाएगा, देख लो। हाँ
भाई, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ बताओ मुझे। पता नहीं क्यों अभी मुझे अवॉइड कर रहा है। क्या हुआ है मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। फोन करती हूँ तो कट कर देता है, देखकर भी अनदेखा करता है मुझे। ऐसा क्यों? I don't know. मैंने तुमसे कहा था ना, लड़के ऐसे ही होते हैं, वो कब क्या करेंगे उन्हें ही नहीं पता रहता। ठीक है छोड़ो ये सब, अभी से बात करने का मन कर रहा है। ओके ओके, इमोशनल मत हो, सत्या को कॉल करती हूँ मैं। देखो बेटी, दामाद कमाल है, तुमने जो सोचा था तुमने हासिल कर लिया, वैसे भी तुम ग्रेट हो। मैं दामाद जी के टैलेंट को पहले से जानता था। ये तो आपका बड़प्पन है। सत्या, तुम्हारे पिताजी का सपना था कि तुम्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाए। मेरा भी बचपन से ही सपना था कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूं। और तुमने उस सपने को सच कर दिया। सच्चाई जानेंगे तो दिल का दौरा पड़ जाएगा। वैसे ससुर जी मुझे एक डाउट है, पूछो दामाद जी। उस वक्त कंप्यूटर थे क्या? बिल्कुल दामाद जी, उस समय बड़े होते थे, अभी छोटे होते हैं। पेपर में पढ़ा होगा कहीं आपने, और अभी आकर के इतना ज्ञान दे रहे हैं। क्यों दामाद जी, तब से रिंग हो रहा, उठा लो ना। ऑफिस वाले ससुर जी, पहले ही मैंने उन्हें नोटिस दिया था कि मैं आज लड़की देखने जा रहा हूँ, कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन सुने तब ना, मेरे बिना एक काम भी नहीं होता इनका। अच्छा यही होगा नजर से बचने के लिए, नींबू लेके घुमा करो। अभी ससुर जी बहुत मजाक करते हैं। दामाद जी मैं मजाक नहीं, सीरियसली बोल रहा हूँ। आपका सीरियस भी मुझे मजाक ही लगा। फोन लगा उसे। ये लोग क्यों मुझे फोन कर रहे हैं? अरे प्लीज, मैं लड़की देखने आया हूँ। जानते हो तू? मुमकिन नहीं है, बाद में मिलते हैं। तेरे सॉफ्टवेयर जॉब के बारे में बता दूँ क्या? बाप रे, नहीं। दामाद जी को सभी लैंग्वेज आती हैं। वो सॉफ्टवेयर में हूँ ना, इसलिए सब सीख लिया। वैसे दामाद जी वो लड़कियाँ कौन है? मेरी कलीग्स हैं, ऑफिस से आई हैं। यूएसए क्लाइंट आया है बोल रही हैं, बिना मुझसे मिले नहीं जाएंगी, उनसे मिल के आता हूँ। प्लीज। क्यों आई हो? कॉल क्यों काटा? पिक करते। रिश्ता तय करने आया हूँ, नजर दिया था क्या? चुप चुप चले बाहर आओ। क्या है? क्या है सत्या, वो अंकिता को अवॉइड क्यों कर रहा है? अच्छा, पता नहीं, जरूर इसने ही कुछ किया होगा। मैंने कुछ नहीं किया सत्या, अभी कोकटेन के साथ खेल रहा था तो मैंने थोड़ा फोर्सली किक कर दिया था, बस इतने में ही गुस्सा आ गया उसे। अच्छा, इतनी छोटी सी बात पर उठ गया? पता नहीं आजकल हर छोटी बात पे गुस्सा हो जाता है, हर चीज पर उठ रहा है। मेरा फोन भी ठीक से नहीं उठा रहा है। ये तू ये बकवास बंद कर। अरे तेरी तो ये भैंस यहीं पे है, इससे पता चल गया तो मेरी बात लग जाएगी। उससे कह देना इसका फोन उठाए, नहीं तो इसके लिए अच्छा नहीं होगा, जाके बोल देना। तेरी तो। दामाद जी। हाँ, अभी आया। ए, कल ज्योति दीदी और अंकिता मेरे घर पे आई थी। तो मैं क्या करूँ? बोल रही थी तुझसे बात करनी है। Hey, छोड़ना यार, मुझे उनके साथ बात करना पसंद नहीं है। hey, उनके पीछे पड़ा तो वो मेरी वैल्यू नहीं कर रही थी, मन में कुछ और है और एक्टिंग कुछ और करती है, उसकी एक्टिंग मेरे सामने नहीं चलेगी। hey, बेचारी से एक बार बात कर लेना। hey, यार इतनी दूर से आई थी। मैंने बुलाया था क्या? तू बोल ना बे। एक बार बात कर लेना। क्या बात है, इतना क्या सोच रहे हो भैया, क्या प्रॉब्लम है? अंकिता को जितना भूलने की कोशिश कर रहा हूँ वो और याद आती है। बातों से तो भूलना चाहता हूँ लेकिन दिल से नहीं भूल पा रहा। मैंने सोचा था कि मैं उससे अपने प्यार का इजहार करूँगा, वो मेरा ड्रीम लव होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अभी तक मैंने किसी से प्यार नहीं किया, पता नहीं उससे कैसे कर बैठा। मुझे उसकी इतनी याद क्यों आती है? मैंने जितना अंकिता को प्यार किया, क्या उसने मुझे किया होगा? ए, तुम इतने सीरियस हो जाओगे, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तुम्हारी फीलिंग्स को देखकर मुझे भी रोना आ रहा है, और मुझे ही नहीं मेरे फ्रेंड्स को भी बुरा लग रहा है। मेरे फ्रेंड्स को ही नहीं, सभी को बुरा लग रहा है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे फ्रेंड्स को इस बारे में कैसे पता चला? मतलब तुम्हारी फीलिंग्स अच्छी है ना, इसलिए मैंने फेसबुक पे लाइव ऑन कर दिया था। क्या है ये, मैं पहले ही इतना परेशान हूँ और ऊपर से तुम ये सब लाइव दिखा रही हो। भैया देखो यहाँ कितने लाइक्स और कमेंट्स भी आ रहे हैं। हे, इंसान को कुछ भी हो जाए, तुम्हें इसकी कोई परवाह नहीं है। हाँ, तुम बस कमेंट्स एंजॉय करती हो, बहुत अच्छा। मैं तो तुमसे अपना दुख शेयर कर रहा था और तुमने उसे लोगों से शेयर कर दिया,
सच्ची कहते हैं, अपना दुख अपना होता है, अपनी खुशी अपनी खुशी। तुम तो इसमें लाइक और डिसलाइक ढूंढ रही हो। हाँ, तुम मुझे कभी भी नहीं समझोगे भैया। हे, क्या है ये, कोई एड फिल्म कर रही हो क्या? तुम मुझे इस तरह से फॉलो क्यों कर रही हो? तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो अभी? तुम्हें नहीं पता है क्या? उस दिन अनाप शनाप बात करके मैंने तुम्हें बोर किया इसीलिए ना? या फिर उस दिन कोप्टन को किक किया था वही कारण है? देखो, तुम इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो। प्लीज ऐसा मत कहो ना अभी। क्यों कह रहे हो ऐसा? बताओ ना अभी प्लीज। मुझे बहुत दुख हो रहा है। क्यों अवॉइड कर रहे हो मुझे अभी? हर बातों से तुम्हें अनजान रहना है ना? असल में तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जबकि तुम्हें सब कुछ पता है, मेरे मन में क्या चल रहा है तुम जानती हो, और मैं क्या चाहता हूँ वो भी जानती हो, फिर भी नाटक कर रही हो। इतना होने के बाद क्यों ऐसा कर रही हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरे मन में क्या है और मैं क्या चाहता हूँ, बस मैं तुमसे बोल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन तुम पता नहीं क्यों ऐसा बिहेव कर रही हो। मुझे सच में कुछ नहीं पता। अच्छा, खैर छोड़ो, अब से मुझे फोन करना और मुझे फॉलो करना सब कुछ बंद कर दो। तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, और मुझे भूल जाओ प्लीज। अभी क्या हुआ बेटी? जब से आई है ऐसे ही है। क्या हुआ बेटी? अंकिता, डैडी को देखो। क्या हुआ बेटी, बताओ बेटी। हाँ, किसी ने कुछ कहा क्या? थोड़ी देर आराम करेगी तो सब नॉर्मल हो जाएगा। ओके, मैं अभी आता हूँ। ठीक, डोंट वरी। बैठो अंकल। आपने बुलाया? अंकिता और तुम्हारे बीच में क्या हुआ ये मैं नहीं जानता, लेकिन अंकिता बहुत अपसेट हो गई है। तुम्हें उसके बारे में एक बात बतानी है। अब तक हमारी फैमिली के अलावा ये कोई नहीं जानता है, पर मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अंकिता जितना हमारे साथ खुश रहती है उतना ही तुम्हारे साथ भी रहती है। ये मैंने कई बार महसूस किया है। तुम्हारे कारण कोई भी नेगेटिव रिएक्शन हो तो उसकी जान पर खतरा हो सकता है। अंकिता के 13th बर्थडे के दिन हम अनावरम जा रहे थे। हे, अरे कम करो, वॉल्यूम थोड़ा कम कर दो ना प्लीज। ओके ओके, अरे ऐसा मत करो। ओके ओके, अरे हाईवे पर ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा। वहां देखो, वहां देखो। इसीलिए तुमसे कहा था सीट बेल्ट लगाओ। सुनिए जी, थोड़ा आराम से चलाइए। ठीक है। बेल्ट बेल्ट लगाओ, चलो बेल्ट लगाओ। लगाती हूँ ना पापा। Thank you.
डॉक्टर ये कब तक पूरी तरह ठीक हो जाएगी? देखो प्रसाद, ये कोमा से कितने समय बाद बाहर निकलेगी ये अभी बोलना मुश्किल है। अंकिता को कुछ होगा तो नहीं ना? कुछ नहीं होगा, अंकिता जल्दी ही रिकवर हो जाएगी। अंकिता, हैप्पी बर्थडे टू यू। देखो तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हारा पसंदीदा टेडी बियर लेकर आया हूं। डिगी 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 डिगी। तुमने कहा था ना तुम्हें साइकिल चाहिए, वो भी खरीद ली है। सिर्फ वही नहीं, घर में बड़ा सा एलईडी टीवी लगा लिया है। जब तुम घर आओगी तो उसमें तुम अपना पसंदीदा कार्टून चैनल देख पाओगी। माँ ने तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा गुलाब जामुन बनाया है। एक बात और बताऊं बेटा, तुम्हारी प्यारी बुआ भी अमेरिका से आ रही है। फिर हम एक साथ यूएस जाएंगे तुम्हारे घर आने के बाद, ओके? अंकिता ट्रीटमेंट पर रिस्पॉन्ड कर रही है, मेरा मानना है कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। अपना काम छोड़कर तुम ऐसे ही कब तक रहोगे? तुम एक अच्छे इंजीनियर हो, अपना फ्यूचर छोड़कर ऐसे कितने साल तक रहोगे? उसका ख्याल रखने के लिए हम लोग है ना? मेरी बेटी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अंकिता मेरी जिंदगी है। बच्चे जब आंखों के सामने बड़े होते हैं तब कितनी खुशी होती है, लेकिन हॉस्पिटल के बेड पर पड़े होते हैं तब बहुत डर लगता है। इतना दुख होता है कि उसके बारे में कोई नहीं सोच सकता। सात साल के बाद अंकिता वापस कोमा से बाहर आई और यह देखकर मेरी जान में जान आई। अंकिता पूरी तरह से ठीक हो गई है, ऐसा डॉक्टर के कहने के बावजूद मेरे मन में एक अनजान सा डर था। पापा, हम कहां पर हैं? लगता था अंकिता घर आने के बाद गुस्से में है, हमेशा शांत रहा करती थी। मुझे और अपनी मां के अलावा किसी को नहीं पहचानती थी, ज्यादातर समय अकेले रहा करती थी वो। एक्सीडेंट में उसके हेड पर लेफ्ट साइड में मेजर इंजरी होने के कारण उसके नर्वस सिस्टम पर चोट लगने की वजह से वो अपने अतीत को भूल गई है। लेकिन एक्सीडेंट के वक्त उसने आपको देखा, इसलिए वो सिर्फ आपको पहचान पा रही है, उसे और कुछ याद नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका ब्रेन एक लेवल तक ही सोच सकता है। कभी कभी वो बहुत मैच्योर और कभी कभी बहुत चाइल्डिश बिहेव करती रहेगी। उसमें अपने आप को कंट्रोल करने लायक स्ट्रेंथ नहीं होगी। अगर वो बहुत ज्यादा सोचती है या दुखी होती है तो ठीक नहीं होगा। ऐसा करने से वो दोबारा कोमा में जा सकती है, जो खतरनाक हो सकता है। अगर हम उससे कुछ ज्यादा याद दिलाने की कोशिश करेंगे तो उसके ब्रेन पर स्ट्रेस होगा, जिससे अंकिता की जान को भी खतरा हो सकता है। उसे आपको हमेशा खुश रखना होगा। वो चाहे कुछ भी करे, उसे इनकरेज करते रहिए, उसे सपोर्ट करिए। इससे उसकी काफी मदद हो पाएगी। उसे ठीक होने में बहुत समय लगा, लेकिन तुमसे मिलने के बाद अंकिता पहले से बहुत ज्यादा हैप्पी रहने लगी थी, एक्टिव रहने लगी थी। प्लीज उसे हर्ट मत करना। अगर उससे कोई गलती हुई है तो मैं उसे समझाऊंगा, पर अगर उसे फिर से कुछ हो गया तो मैं सह नहीं पाऊंगा। सॉरी अंकल, आई एम रियली सॉरी। मेरी वजह से अंकिता को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं जैसे पहले था अब भी वैसे ही रहूंगा, प्रॉमिस करता हूं अंकल। थैंक यू।
डैडी आपके लिए एक सरप्राइज है। 1, 2, 3 एंड टंटडा। क्या ये? वाह, बहुत सुंदर। सुपर्ब है। ये मेरी फर्स्ट पेंटिंग है। कैसी है डैडी? बहुत बढ़िया है बेटी। बहुत बढ़िया है बेटा। मुझे बहुत पसंद आई। कैसी है सीनू? बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है। ज्योति दीदी ने पेंटिंग करना सिखाया है ना? हे, कॉल मी जो। अच्छा सर, जाकर इसे फ्रेम करवा दूं क्या? हे ये, वो तो फिनिश होने के बाद करते हैं। ऑलरेडी फिनिश हो गई डैडी। फिनिश हो गई क्या? वाह। बहुत अच्छी पेंटिंग है बेटा। ऐसी पेंटिंग तो मैंने लाइफ में नहीं देखी। ये तो सच बात है सर, मेरी देखी हुई फर्स्ट पेंटिंग भी यही है और लास्ट पेंटिंग भी यही होगी सर। है यही। अरे कला के बारे में तू जानता ही क्या है? हे अंकिता, मुझे अभी तक भूली नहीं क्या? मुझे पहचाना क्या? अंकिता, तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। बेटी अंकिता, कैसी हो? कितने साल हो गए तुम्हें देखे। ऐसे क्यों देख रही हो? ये तुम्हारी बुआ है बेटी। बैठो। हाय अंकिता, हाउ आर यू? अंकल, बचपन में कितनी शरारती थी, अब देखो कितनी शांत हो गई। शांत तो बिल्कुल भी नहीं है, हमेशा की तरह मेरी बहू सोने जैसी है। किरण, कैसा है तू? अच्छा हूँ मामा जी। भैया कमला, कैसे हैं आप? बहुत सालों बाद तुमसे मिल रहा हूँ। जीजा जी, कैसे हो आप? ऐसे क्यों देख रही हो? ये कौन है पता है? तुम्हारी बुआ का बेटा है। बुआ का लड़का? देखा कैसे शर्मा रही है। आजकल की लड़कियां किसी से भी पड़ जाती हैं। अच्छे लड़के इन्हें पसंद नहीं आते हैं, बुरे लड़के ही इन्हें बहुत पसंद आते हैं। अरे भाई एक बात बताऊं, पिछले साल गधों की प्रतियोगिता थी, फर्स्ट और बेस्ट मैं ही आया था। ये भी कोई बताने की बात है? फोन नंबर दोगी क्या? कौन? चल भाई चलते, नहीं तो इनके तरह हम भी हो जाएंगे। चल यार चलते हैं। अंकिता, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अब कौन सा सरप्राइज है? एक बार मिलते हैं ना। तुम्हारा सरप्राइज हमेशा शॉकिंग होता है। खैर बताओ क्या बात है? गेस करो। अरे इतना फिल इन द ब्लैंक्स क्यों? डायरेक्टली पॉइंट पे आओ ना। जब तुम मिलोगे तभी बताऊंगी। सच में चौंक जाओगे तुम। शाम को रेस्टोरेंट में मिलते हैं। जल्दी आ जाना। हाँ ओके बाय। ओके अभी। ये किरण है। किरण, ये है अभी। हाय ब्रो,
हाय, ये नया करेक्टर कौन है? कौन है बताओ? तुम्हारा भाई है? नहीं, कजिन है। हाँ तो भाई हुआ ना। अरे नहीं, बुआ का बेटा है। फिर भी भाई ही हुआ ना। इससे क्या हो गया आज? हाँ ब्रो, लेकिन तुम्हारा भाई हूँ। इतने सालों से मेरे सपने में जो आ रहा था वो किरण ही था। अभी के कारण ही मैं तुम्हें जान पाई किरण। मुझे पेंटिंग सिखाकर अभी ने मुझे तुमसे मिला दिया। थैंक्स ब्रो। अगर वो पेंटिंग नहीं होती तो अंकिता के मन में क्या चल रहा है मुझे कभी पता नहीं चलता। सो मैंने तुम्हें पेंटिंग सिखाई और तुमने मेरे लिए फ्रेम बनवा दिया। चलो डबी, उठ, उठ जा। अबे उठना। अरे अभी। कौन है बे तू? मैं इसे सच्चे दिल से प्यार करता हूँ। इसने मुझे पेंटिंग सिखाने के लिए बोला, मैंने सिखा दिया। अगर इसने कुछ बना दिया तो तू बीच में कहाँ से आ गया? अभी क्या हुआ तुम्हें? अगर पेंटिंग के बीच में कोई आ जाए तो मुझे साइड में कर दिया जाएगा। ए, मैं इसे प्यार करता हूँ, जिंदगी भर इसका ख्याल रखूंगा। ए, तो इसके सपने वाला लवर बन के आया है ना, तो मैं तुम दोनों को आशीर्वाद दूं और दाढ़ी बढ़ा के देवदास बन जाऊं, अपनी जिंदगी चलाने के लिए आयुर्वेदिक शॉप खोल लूं। हाँ अभी अभी। हे ब्रो, बात क्यों नहीं कर रहे हो? क्या हुआ, सपना देख रहे हो क्या? सपना? अगर रियल लाइफ में होता तो पता चलता। अंकिता, मुझे कुछ काम है, मैं बाद में मिलता हूँ, ठीक है? One second. हेलो, या? असल में ये सपना क्या है और ये पेंटिंग क्या है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी को तू पसंद करती है ना? अभी मेरा बेस्ट फ्रेंड है, अभी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो फिर ये किरण कौन है? किरण वो लड़का है जिसके लिए मैंने इतना इंतजार किया। क्या बोल रही है तू? तो किरण का इंतजार कर रही थी? ये तो कैसी बातें कर रही है? तू तो अभी से प्यार करती है ना? प्यार? और मैं? क्या यार तुम भी। एक बात तो सच है अंकिता, अभी तुम्हें अपने जान से भी ज्यादा प्यार करता है, और ये बात हम सब जानते हैं, बस तू नहीं जानती। अभी तुम्हारे लिए परफेक्ट है। तुम मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रही हो यार। किरण, तुम मुझे कैसे जानते हो? अंकिता, ऐसे क्यों पूछ रही हो? अभी सॉरी किरण, तुम्हें एक बार भी मेरी याद नहीं आई। मैं तुम्हें भूला ही कहां जो तुम्हें याद करूंगा, तुम तो हमेशा यहां रहती हो। जैसा सोचा था, सत्या की एंगेजमेंट उसकी मामा की बेटी से हो रही है। मैं अंकिता के सरप्राइज से अभी भी शॉक में ही हूं। उस दिन के बाद अंकिता आज तक मुझसे नहीं मिली। आज अंकिता यहां आएगी इसलिए उसका इंतजार कर रहा हूं। अंकिता आई भी, लेकिन उस किरण के साथ। वो उसके साथ बहुत खुश थी। मैं भी कुछ ऐसा ही जताना चाह रहा था कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। समझ में नहीं आ रहा था कि उससे बात कैसे करूंगा। सॉरी फॉर द लेट। हाय। क्यों सुधा, इस भैंसे को देख रहा है? जब से उसकी एंगेजमेंट हुई है ना, हमें भाव ही नहीं दे रहा है। भाई तो बैग मारने के लिए कहा फिर भी नहीं आया। जब इसकी असलियत उसे पता चलेगी ना, तब समझ में आएगा। इसके बारे में क्या पता चलेगा? तुझे नहीं पता क्या, तेरे गांव में कोई ना कोई तो होगा ही ना, कि तेरे एग्जाम्पल यहाँ पर खत्म हो गए। ऐसा कोई नहीं है यार। अच्छी तरह से सोच, कोई ना कोई याद आएगा। कौन होगा? कहीं मैं तो नहीं? तू बहुत जल्दी समझ गया, बहुत समझदार आदमी है तू। अपने गांव की इज्जत बढ़ा रहा है। तेरा गांव बहुत महान है भाई। वन मिनट। अब अपने गांव के बारे में ज्यादा मत सोच। तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम वहां बैठोगे। मेरे गांव का नाम लिया तो मुझे कुछ याद आया, अभी बता भाई प्लीज। अभी नहीं, फिर कभी। अरे सब लोग यहाँ बात कर रहे हैं और तुम इतने साइलेंटली क्यों बैठे हो? अरे इतनी इंटरेस्टिंग बात चल रही है, तुम बताओ। बताता हूँ भैया, हमारे गांव में इमली का पेड़ है, उसके नीचे चाय का ठेला है। वहाँ आपके जैसा एक आदमी है, वो सबकी बातें सुनता रहता है। उसके पास कोई काम नहीं है, बस लोगों के किस्से सुनने के लिए तैयार रहता है। वो इंसान मैं ही हूँ क्या? हाँ कुछ ऐसा ही। भैया एक और मैटर है, आंटी की बात है, मजा आ जाएगा। एक आदमी है दाढ़ी वाला, ब्लैक शर्ट में, उसके पास। ब्रदर अभी नहीं, फिर कभी। नहीं अभी सुनो ना। अगली बार सुनेंगे ना, पहले ही बहुत देर हो चुकी है।
अंकिता, शैल वी मूव? बाय अभी। एक और किस्सा सुनाऊं क्या? नहीं, फिर कभी। ठीक है, ठीक है। बाय। ओके, बाय। बाय। अंकिता, तुम उदास क्यों हो? पता नहीं, अभी को छोड़कर जा रही हूँ तो बहुत बुरा लग रहा है मुझे। आज हम जो एक दूसरे से मिले हैं उसका कारण अभी तो है, अभी हमारे लिए स्पेशल रहेगा। बहुत अच्छा लड़का है। अभी के फैमिली फ्रेंड्स सब सच में बहुत अच्छे हैं। उसकी मम्मी, उसके पापा, बहन सब मुझे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ओ अच्छा, तो फिर हम एक बार उनसे मिलते हैं। अभी बहुत अच्छा लड़का है ना? हाँ, बहुत अच्छा लड़का है। अभी के साथ मुझे वक्त का पता ही नहीं चलता है। अभी के बारे में ही बातें कर रही हो? मैं बगल में बैठा हूँ, मुझे भूल गई हो? नहीं नहीं, बस अभी के बारे में ज्यादा बात कर रही थी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगी। सॉरी किरण, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं अंकिता, आई लव यू। आइए भैया। हाँ कमला, लगता है कुछ सीरियस बात हो रही है। लो, खुद ही बात कर लो। हाँ भैया, किरण की शादी के बारे में सोच रहे थे। ये 2-3 साल बाद शादी करने को बोल रहा है, लेकिन हमने तो पहले ही डिसाइड कर लिया था ना। एक बार अंकिता से भी बात कर लेते हैं, उसकी मर्जी जान लेते हैं भैया। अंकिता मुझे बहुत पसंद है, आप जब कहेंगे तब शादी कर सकता हूँ। सच तो ये है कि अंकिता को इसके बारे में पता ही नहीं है। अंकिता, हम तुम्हारी और किरण की शादी करवाना चाह रहे हैं, अगर तुम हाँ कहोगी तो। 1 महीने में प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, इस बीच में शादी हो गई तो हम यूएस जा सकते हैं। अंकिता अगर राजी हो गई तो मैं भी राजी हूं। क्या बेटी, शादी से डर लग रहा है? जो मन में है बता दो। इतनी जल्दी क्या है डैडी? अगर तुम्हें पसंद हो तो ही बताना, ओके? आप लोगों को छोड़कर यूएस जाना मतलब? हे कम ऑन, अभी से यूएस जाने के लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है। रोज हम लोग वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं, चाहो तो यूएस भी आ जाऊंगा। अंकिता, एक अच्छे लड़के को देखकर तुम्हारी शादी कराने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है। अगर वो हमारे अपने हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। वो लोग तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखेंगे बेटा। किरण को भी तुम बहुत पसंद हो, मुझे लगता है तुम्हें वहां कोई परेशानी नहीं होगी, वहां सब अच्छा रहेगा, ओके? तो किसी चीज की चिंता मत करो, खुश रहना और मुस्कुराते रहना, ओके? गुड। हेलो। हेलो, बोलो। क्या बात है? तुमसे बात करनी थी। मीटिंग में हूँ, सामने क्लाइंट है, बाद में बात करूँ? मुझे अभी बात करनी है, प्लीज मेरे घर आ जाओ। ठीक है, आता हूँ। ठीक है, जल्दी से आ जाओ। बाय। ओके, बाय। क्या हुआ, यहाँ क्यों बुलाया? अभी मेरी शादी फिक्स हो गई है, 2 या 3 दिन में शादी हो जाएगी। अभी तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? ये सब अचानक कैसे? तुम्हें दुख नहीं हो रहा है क्या? नहीं, तुम्हारी शादी हो रही है, मुझे भला दुख क्यों होगा? तो फिर तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? मेरी आंखों का दर्द इसे दिख रहा है, लेकिन मेरे दिल का दर्द ये नहीं देख पा रही। मुझे तो बहुत दुख हो रहा है। तुम्हें तो बस दुख हो रहा है, तुम्हारी शादी की बात सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जान निकल जाएगी। शादी हो जाएगी तो हम मिल नहीं पाएंगे ना? शादी के बाद ऐसा ही होता है ना? मेरी शादी हो रही है इस बात की खुशी से ज्यादा मुझे तुम्हें छोड़कर जाने का दुख हो रहा है। अब मैं लाइफ लॉन्ग तुम्हारे साथ तो रह नहीं सकता हूँ, चाहे कैसा भी सफर हो, खत्म तो उसे होना ही है, चाहे वो हमें कितना ही पसंद क्यों ना हो। अभी
पापा, नहीं पापा, प्लीज पापा। आ बेटा, चिंता मत करो, मैं बताता हूँ, चलो। गुड मॉर्निंग सर। यस, न्यू एडमिशन? जी सर। क्या नाम है? अभिराम। एडमिशन आपका हुआ है क्या? नहीं, मेरा नहीं, मेरे बेटे का हुआ है। साइलेंस। मेरा बेटा थोड़ा शर्मीला है, बच्चों के साथ रहेगा तो ठीक हो जाएगा। तुम फर्स्ट क्लास में नहीं हो, एट्थ क्लास में हो, जाओ जाके बैठो। डरो मत बेटा, जाओ बैठो बैठो, सब तुम्हारे दोस्त हैं, जाओ जाओ जाओ, सभी दोस्त हैं, जाओ जाओ बेटा। जाना, घर आना, मामा जी को बताऊंगा। जा, बता दे। कौन है? बुआ का बेटा है, किरण। ओ छोड़ो, जाने दो, वो तो ऐसा ही है। क्यों मोटे, कुछ ज्यादा उछल रहा है तू? क्या कहा? मोटू? नहीं नहीं, उसके बाद बहुत उछल रहा है। इसे कहते हैं उछलना। घर पे जाके बताऊंगा। हाँ तो बता देना। चल लड्डू, हम चलते। किरण मुझे सीरियसली देखता है तो डर लगता है। मैं एक चीज बताती हूँ, करेगा तू? हाँ। किरण ने तुझे कभी भी परेशान किया तो एक खींच कर लगाना। हाँ? तुम्हें कुछ बोलेगा नहीं? अगर तू नहीं मारेगा तो बोलेगा। ए मोटा, लगता है मुझे मारेगा, आज इसे सबक सिखाता हूँ। ए क्या देख रहा है तू? हाँ, दोबारा अंकिता के साथ नजर आया तो छोड़ूंगा नहीं। क्या हुआ, क्या सोच रहा है तू? सॉरी ब्रदर। सॉरी का क्या करूं? सॉरी 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 सॉरी, वो मुझे लेफ्ट में मारना था। अंकिता का राइट, मेरा लेफ्ट है। कौन सा बढ़िया है ब्रदर? दोनों ही बेकार था। थैंक यू ब्रदर, बाय। पहली बार आया था तो कितना इनोसेंट था ना। तुमने सच में मारा? कुछ भी कहूंगी तो तुम करोगे? तो फिर मैं तुमसे कुछ भी पूछूं तुम्हें यस ही कहना होगा। यस। अभी नहीं, बाद में। वैसे क्या है वो? बाद में बताऊंगी ना। थोड़ा पास आ बेटा, बैग नीचे रख दो। हाँ। स्माइल, थैंक यू। अंकल मुझे एक फोटो दे देना। श्योर, अभी के हाथों भिजवा दूंगा बेटा। रुको, क्या हुआ लड्डू? देखो मेरे डैडी ने फोटो भिजवाई है, तुम्हारे लिए और किरण के लिए भी। तो फिर तुम्हारे लिए? मेरे पास भी है। चलो चलो लड्डू, हम चलते। हाँ, चलते हैं। अपने डैड से कहना कि फोटो बहुत बढ़िया है। कह दूंगा। उसके बाद स्कूल की छुट्टियां शुरू हो रही थी, दोबारा वो मुझे नजर नहीं आई। उस एक्सीडेंट के बाद वो सब कुछ भूल गई, लेकिन अंकिता तब से लेके अब तक मुझे ही चाहती है। तो ये बात जाके उसे बताना। यही तो प्रॉब्लम है, उसकी कंडीशन जानता है ना, उसे बताया तो कुछ दिक्कत ना हो जाए। अरे तू बताएगा या नहीं, बाद में हम उसे समझा देंगे। बात कोई भी बताए, प्रॉब्लम थोड़ी ना खत्म होगी। प्रॉब्लम का सलूशन कैसे होगा हमें कुछ नहीं पता। क्या करूं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, और उसके लिए मैं कर भी क्या सकता हूं? मैं तो उसका वेट कर रहा हूं ना, लेकिन वो उसे धोखा देकर उससे शादी कर रहा है।
बस यही बात मैं सह नहीं पा रहा। हे अभी, यहाँ कैसे आना हुआ? ये अभी है, अंकिता का क्लोज फ्रेंड। अच्छा। आज मैं जो इतना खुश हूँ इसकी वजह यही है। ओके। हाँ, किरण की खुशी का कारण सिर्फ मैं ही हूँ। हे अभी, तू भी स्मोक करता है क्या? और बता, तूने झूठ क्यों बोला? झूठ कहा? मैंने? नाटक मत कर। ए, जो भी कहना साफ साफ बोलो। तू किस बारे में बोल रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस फोटो में तू है, ऐसा बोल देने से तू मेरी जगह नहीं ले सकता। तो तू एग्जैक्टली बहुत बड़ी गलती कर रहा है। अंकिता मेरी जान है। अंकिता तुझसे प्यार नहीं करती है। धोखा देके अंकिता के करीब जा रहा है, तुझे शर्म नहीं आ रही? तेरे प्यार करने से पहले अंकिता से मैंने प्यार किया। मैं उसे बचपन से पसंद करता हूँ। बचपन में उसने तुझे पसंद किया और अभी भी तुझसे प्यार किया, तो मैं क्या बेवकूफ हूँ? यूएस से मैं खुशी खुशी उसके लिए आया तो वो तेरी फोटो देखते हुए नजर आई, तभी मैं समझ गया वो अभी भी तुझे भूली नहीं है। मन तो किया मार डालूं। असल में ये तुम्हें जानती है या नहीं जानती है, तुमसे मिली या नहीं मिली, कैसे हो, कहाँ हो, पर आसानी से मैंने एक फैसला कर लिया। फोटो में जो है वो मैं ही हूँ। मैंने उसे यकीन दिला दिया और वो मान गई। ये सच नहीं है। अंकिता मेरी है, मेरे मामा की बेटी है, मेरा हक है उस पे। अभी जो हुआ वो जाकर बता देगा क्या? जा बता दे। फिर भी अंकिता मेरी ही है, मैं छोड़ूंगा नहीं। सच कहूं तो तू गलतफहमी में जी रहा है। अंकिता को जैसे ही पता चला कि उस फोटो में मैं हूं तो वो मेरे पास दौड़ी चली आएगी। तब सोच तेरा क्या होगा। इसे सच कैसे बताऊं कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन अभी किरण के बारे में सच नहीं बताऊंगा तो फिर कभी नहीं बता पाऊंगा। जो कुछ भी मैं कह रहा हूं उसे शांति से सुनना। वो बात यह है कि वो किरण। क्यों अभी, अंकिता के बारे में नहीं सोचोगे क्या? तुम हमें छोड़कर कैसे जा सकते हो और हम तुम्हें कैसे जाने देंगे? मेरे बिना शायद अंकिता रह सकती है, पर तुम्हारे बिना अंकिता नहीं रह सकती। वही तो फ्रेंड हूं ना, है ना अंकिता? अभी उदास क्यों हो बेटा? कुछ नहीं पापा, मैं सब जानता हूं। क्या जानते? तुम्हारे प्यार के बारे में सब जानता हूं मैं। अंकिता की शादी होने वाली, आप जानते हैं ना? उसके मन में मैं हूं ये बात वो किसी को बता नहीं पा रही है, और सच्चाई क्या है सिचुएशन की वजह से मैं उसे नहीं बता पा रहा हूं। भले ही वो मुझे भूल जाए लेकिन मैं उसे नहीं भूल सकता। एग्जाम में फेल होते हैं तो सप्लीमेंट्री एग्जाम होता है, और अगर लव में फेल हुए तो कोई सप्लीमेंट्री नहीं होता। तुम्हारा प्यार सच्चा है, मुझे भरोसा है। क्या फायदा पापा, वो तो किरण से शादी कर रही है ना, दिमाग कंट्रोल में नहीं होगा, सिगरेट और दारू को अपना सहारा बनाऊंगा, लेकिन इस दिल का क्या, इसके लिए क्या करूं? अरे मुझे अंकिता चाहिए पापा, अपने प्यार के बारे में उसे बताना चाहता हूं मैं, लेकिन बता नहीं सकता, उसके बगैर मैं नहीं जी सकता हूं। मुझे अंकिता चाहिए पापा। कभी किसी को उसका प्यार प्लान करने से नहीं मिलता है, प्यार तो बस हो जाता है, फिर जान ही क्यों ना चली जाए, प्यार कभी खत्म नहीं होता, और जहां बेपनाह प्यार होता है आप लाख कोशिश क्यों ना कर लो उसे छुपा नहीं सकते हो। एक पल, एक घंटा, एक दिन, एक साल, भले ही क्यों ना
साल पे साल बीतते चले जाए, जब तक आप जिंदा रहेंगे वो प्यार आपको सताएगा, आप हमेशा उसकी राह देखेंगे। सपने में तुम ही हो ये जानने के बाद तुम्हारे लिए मेरा प्यार बढ़ना चाहिए था, लेकिन मुझे ऐसा कोई एहसास नहीं हो रहा है। क्या सच में मैंने तुमसे प्यार किया है किरण? मेरे सपने में जब तुम थे तब मैंने प्यार किया, लेकिन जब तुम सामने हो तो मैं तुमसे प्यार ही नहीं कर पा रही। जिस प्यार के बारे में सोचा था वो तो मुझे नजर ही नहीं आ रहा, खुद के अंदर भी नजर नहीं आ रहा। मेरे सपने में जो है वो तुम ही हो ना। खुद को काफी समझाने के बाद भी मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं है। ऐसा क्यों है कि सपने में मैं जितना प्यार कर रही थी वो हकीकत में नहीं कर पा रही हूँ? मुझे लगता है कि मैं अभी से प्यार करती हूँ, और अगर मैं ये बात अगर मैं आज नहीं कह पाई तो पछतावा रहेगा। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। I'm sorry. पापा, मैं कोई गलती तो नहीं कर रही हूं ना? इतना सोचने के बाद तुम्हें एहसास हुआ कि तुम्हें क्या चाहिए? मेरी बेटी को ऐसे देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। हर छोटी मोटी बातों को छोटी बच्ची की तरह बताने वाली मेरी बच्ची आज पहली बार बता रही है कि उसे क्या चाहिए। एक बाप के लिए शादी के मंडप में शादी से इनकार करना दुख की बात होती है, लेकिन मेरे लिए यह बहुत खुशी की बात है। शादी से इनकार करना सही है या गलत, इसे अगर दरकिनार करें तो एज अ फादर मेरी बेटी सबसे अहम है। मेरे लिए ही नहीं, हर पिता के लिए बेटी अहम होती है। बेटी की खुशी ही सब कुछ है। मैंने अभी से प्यार किया है, उसके साथ खुशी से रह पाऊंगी, इतना साफ साफ बताने के बाद मैं अपनी बेटी के फैसले की इज्जत करता हूं। मेरी बेटी गलत नहीं हो सकती, तुम कभी गलत नहीं हो सकती। हाँ बेटी। खोलती हूँ या बंद करती हूँ मुझे तुम ही नजर आते हो। ये सच है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ अभी। मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ ये सोचकर भी मुझे बहुत दुख हो रहा है। जब तुम्हारे साथ होती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ रहने का मन करता है। ये सच है अभी। मैंने जिससे प्यार किया वो
मेरे सपने में है ऐसा मैं समझती थी, लेकिन जिससे मैंने प्यार किया वो असल में मेरे दिल में है, वो मेरे सामने है और वो तुम हो। अभी क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए प्यार है? एक बार नहीं, जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से लेके अब तक जब तक मेरा दिल धड़का हर बार मुझे यही लगा। पहली नजर में मुझे तुमसे प्यार हो गया था, मेरी लाइफ में मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो अंकिता, और मैं हमेशा तुमसे अपने दिल की बात बताने की कोशिश करता था पर कभी बता नहीं पाया, लेकिन आज बताता हूँ। आई लव यू सो मच अंकिता, आई लव यू अंकिता, आई लव यू, आई लव यू। अंकिता ने जिसे प्यार किया वो अभी मैं ही हूं, भले ही वो ये बात नहीं जानती हो लेकिन उसके दिल को ये बात पता है, और सच्चे प्यार को हमारा दिल कभी नहीं भूलता। इस खूबसूरत दुनिया में ये प्यार खूबसूरत एहसास है, और जब तक ये दुनिया है ये प्यार हमेशा इस दुनिया में रहेगा। आज मैं हूँ, कल कोई और परसों कोई और इस प्यार के एहसास को न भूल पाया है और न भूल पाएगा।